दोस्तों, स्मार्टफोन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। और आज तीसरा या चौथा इंस्टॉलेशन वीडियो है कस्टम रोम का पोको F1 के लिए, और हम इंस्टॉल करने वाले हैं Havok OS जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 9 पाई पे। इसमें फीचर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा है USB एक्सटेंडेड के कंपैरिजन में। पिछली बार जब हमने ये रोम देखा था हमारे चैनल पे, शायद से वो Redmi 4A या OnePlus 5 का वीडियो था। काफ़ी स्टेबल रोम है, डेवलपर कम्युनिटी इसकी काफ़ी इंटरेक्टिव है। आप टेलीग्राम ग्रुप्स इनके ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ क्या क्या बग्स है, क्या फीचर्स है, अर्ली अपडेट्स आपको मिल सकती है। सो वो सारी चीज़ें एक XDA थ्रेड में नीचे लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे इंस्टॉल करना है इस रोम को, क्या इसके फीचर्स है, और अगर कोई बग्स है जो पहले से किसी ने रिपोर्ट किया है या इंस्टॉल के टाइम पर मुझे कोई बग्स पता चलते हैं या नहीं। अब शुरू करने के पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और एक गिव अवे चालू है, जैसे कि आपको पता होगा, Zenfone Max Pro M2 का। उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए लिंक नीचे दिया गया है, और ये रहा उस गिव अवे का वीडियो। इसी के साथ साथ मेरा सेकंड चैनल है Kratos 390, जो मोटो व्लॉगिंग पर है, काफ़ी वीडियोस आते हैं उस पर भी, हफ्ते में एक वीडियो तो कम से कम आता है। सो आप वो चैनल भी जाके देख सकते हैं, ये रहा लिंक उस चैनल का। फिलहाल इंस्टॉल करते हैं Havok OS Poco F1 पर। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन ट्यूटोरियल्स पे Poco F1 के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इंस्टॉल करने वाले हैं Havok OS जो कि एक कस्टम रोम है एंड्रॉयड 9 पाई पे बेस्ड। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है और काफ़ी सारे फीचर्स है। सो इंस्टॉल करने के बाद हम चेक करेंगे। उसके पहले एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि उनकी ऑफिशियल जो पेज है XDA डेवलपर्स पे, वो कैसी दिखाई देती है। Havok 2.0 इज़ बेस्ड ऑन AOSP इंस्पायर्ड बाई गूगल पिक्सल, has a refined material designed to UI by Skull Shady, so many features that you probably find in any ROM, यानी कि बहुत सारे फीचर्स है। और अगर फीचर्स की लिस्ट आप देखोगे, इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है कि शायद आप सारे के सारे यूज़ भी नहीं कर पाओगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं यूज़ करूँगा Havok OS को एक या दो दिन के लिए मेरे डेली ड्राइवर की तरह, और मैं आपको बता दूंगा कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं। फिलहाल बेसिक चीज़ें जिनके रिक्वायरमेंट होती है हर एक कस्टम रोम के लिए, आपको आपका सारा डेटा बैकअप करना है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी इंटरनल स्टोरेज डिलीट हो गई या फोटोज़ डिलीट हो गए तो कोई और तरीका नहीं है उसको रिकवर करने का। तो सारा डेटा बैकअप कर लीजिए, और बैटरी 50% से ज़्यादा चार्ज रखिए। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक अनलॉक बूट लोडर और एक कस्टम रिकवरी जिसका नाम है TWRP। रोम फाइल अगर आपने कॉपी कर ली है तो फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में आप उसको पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद बूट कीजिए TWRP में। सो हम अभी वही करने वाले हैं। और कौन सा रोम मैं फिलहाल रन कर रहा हूँ अगर आप पूछेंगे, तो ये वॉलपेपर देख के आप समझ गए होंगे कि ये है OxygenOS। प्रेस एंड होल्ड एडवांस पावर मेन्यू जो है रिकवरी। सो मैंने 6 या 7 अलग अलग, 7 के करीब अलग अलग रोम्स हैं जो इसमें कॉपी कर रखे हैं, और सारे के सारे आज वीडियोस बनाए जा रहे हैं उनके बारे में। सो बहुत सारे कस्टम रोम्स अवेलेबल हैं Xiaomi के Poco F1 के लिए, और काफ़ी स्टेबल भी है। ओके, ये आ गई आपकी TWRP। और रोम के अलावा एक वेंडर और फर्मवेयर जिप की भी ज़रूरत होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वो डाउनलोड करके कॉपी कर लीजिए आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी पे या SD कार्ड पे। अब सबसे पहली चीज़ हमेशा की तरह आपको करना है वाइप, एडवांस्ड वाइप, Dalvik कैश सिस्टम डेटा, और इंटरनल स्टोरेज हम वाइप नहीं करेंगे, तो स्वाइप टू वाइप। उसके बाद जाना है होम स्क्रीन पर। सबसे पहले हमेशा की तरह हम फ्लैश करेंगे Beryllium वेंडर जिप, एड मोर जिप्स, वेंडर, एड मोर जिप, और इंस्टॉल करेंगे Havok OS जो कि 11 फरवरी की बिल्ड है। स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है TWRP में। सो ये तीनों फाइल आप सिलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, यानी कि सबसे पहले आपकी फर्मवेयर फ्लैश होनी चाहिए, उसके बाद वेंडर, और उसके बाद रोम। अब क्योंकि ये AOSP रोम है, तो इसके बाद हम फ्लैश करेंगे ओपन गूगल ऐप्स। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस इंस्टॉल किया, जिसमें जी एप्स इंक्लूडेड होते हैं, और OxygenOS में तो ऑफकोर्स गूगल ऐप सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन इस कस्टम रोम में इंक्लूडेड नहीं है। तो हम वो फ्लैश करेंगे मैन्युअली जाके, और उसके बाद बूट करेंगे। देखते हैं Havok OS का पाई वर्जन जो है उसमें बूट एनिमेशन कैसा है। फिलहाल 2 से 3 मिनट वेट कीजिए, फ़ोन को सारी चीज़ें फ्लैश करने दीजिए। ये देखिए Havok OS फ्लैश हो रहा है,
ओके सो सारी फाइल्स फ्लैश हो चुकी है, अब सिर्फ हमको इंस्टॉल करना है गूगल ऐप्स। सो जाएंगे इंस्टॉल पे और सिलेक्ट करेंगे ओपन जी ऐप्स। अब इसमें कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, ऑफ कोर्स सारे लेटेस्ट फोन 64 बिट प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है आर्म 64, नैनो, पीको, मिनी, फुल स्टॉक, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। वर्जन सिलेक्ट करना है एंड्रॉयड 9, क्योंकि ये रॉम बेस्ड है एंड्रॉयड 9 पाई पर। ओके सो जी ऐप्स भी फ्लैश हो चुके हैं, अब करेंगे वाइप कैश और डेल्विक और रिबूट सिस्टम। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसका बूट एनिमेशन कैसा है वो देख लेते हैं। ओके ये नया बूट एनिमेशन है, काफ़ी सिमिलर है वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस के बूट एनिमेशन की तरह, लेकिन फिलहाल इसको होने देते हैं फ्लैश और फ्लैश होने के बाद देखते हैं क्या फीचर्स है, कितनी स्मूथनेस है, वॉइस ओवर LTE चल रहा है या नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ओएस जो है उसमें सारे फीचर्स चल रहे हैं और सब कुछ स्टेबल है, यानी कि आप ऑक्सीजन ओएस तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो एज अ डेली ड्राइवर। लेकिन हैवॉक ओएस का लेटेस्ट बिल्ड ये जो है 11th या 12th फरवरी का, ये कितना स्टेबल है ये चेक करते हैं बूट होने के बाद। ओके सो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं होम स्क्रीन पे हैवॉक ओएस के, और वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है, यूज़र इंटरफेस काफ़ी स्मूथ लग रहा है, ऑक्सीजन ओएस से अलग फील है इसका। ऑक्सीजन ओएस भी स्मूथ है, फास्ट है, लेकिन इसकी जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अलग है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो देखेंगे पूरा यूज़र इंटरफेस वाइट है, और ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देते हैं यहाँ पे। अगर आप बॉटम पे देखेंगे तो वन प्लस के जो सॉफ्टवेयर था या पोको फोन जो था उसमें आपको या तो फुल स्क्रीन जेस्चर्स मिलते हैं या नीचे सॉफ्ट की नेविगेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको पूरा पिक्सल एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये जो है पिक्सल बेस्ड टैब्ड या पिल्ड नेविगेशन बार है हैवॉक ओएस में। अब अगर हम जाएंगे ऐप ड्रॉअर में तो देखेंगे कि काफ़ी कम एप्लीकेशंस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लिम किया गया है रोम को, काफ़ी ब्लोटवेयर निकाल दिया गया है ताकि परफॉर्मेंस टॉप नॉच यानी कि एकदम अच्छा रहे। सो सबसे पहले चेक करते हैं जियो वॉइस ओवर LTE चल रहा है नहीं। HD आइकॉन तो मुझे दोनों सिम कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है, यानी कि चल रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कॉल करके। वॉइस ओवर LTE चल रहा है। अब चेक करते हैं कौन सा कैमरा है इस ऐप में या इस रॉम में। सो बेसिक गूगल कैमरा है, जी कैम नहीं है, यानी कि आप फोटोज ले सकते हो, बाकी सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हो, लेकिन शायद तक पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। जी हाँ, सो पिक्सल नेविगेशन बार है, पिक्सल लॉन्चर है, काफ़ी बेसिक फंक्शन है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कस्टम रॉम्स में सेटिंग्स, क्योंकि जब आप सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पूरा पाई बेस्ड यूज़र इंटरफेस है, पूरा एंड्रॉयड पाई का जो डिज़ाइन गाइडलाइन है वो यहाँ पे फॉलो किया गया है। इसी के साथ साथ डिजिटल वेलबींग इंक्लूडेड है, और अगर आप हैवॉक सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मेन चीज़ है हैवॉक ओएस की, जैसे कि रेजरेक्शन रिमिक्स है, AOSP एक्सटेंडेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कवर करूँगा फुल रिव्यू में। फिलहाल के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूँ कि इसमें एम्बियंट डिस्प्ले नाम की भी एक चीज़ है, न्यू नोटिफिकेशन, ऑलवेज ऑन, बैटरी लेवल, टिल्ट। सो अब एम्बियंट डिस्प्ले क्या होता है, एम्बियंट डिस्प्ले कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आपका स्क्रीन या आपका डिस्प्ले हमेशा ऑन रहेगा। अगर मैं फ़ोन को लॉक कर देता हूँ तो शायद तक एम्बियंट डिस्प्ले इस रोम में नहीं चल रहा है। उसके अलावा काफ़ी अलग अलग फीचर्स है, क्विक सेटिंग्स, स्क्रीन में क्या है, स्क्रीन कास्टिंग है, यूज़ फ्रेमवर्क वैल्यूज़, एनेबल स्मार्ट पिक्सल्स, जेस्चर्स है, नेविगेशन बार है, आप जेस्चर्स भी चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड सेटिंग्स है। सो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं एक आध या दो दिन यूज़ करने के बाद ही बता पाऊंगा कि कौन सा फीचर है जो काफ़ी यूज़फुल है, कौन सा रोम है जिसके फीचर्स डेली यूज़ में काफ़ी काम आते हैं, जैसे कि रेजरेक्शन रीमिक्स है शायद। लेकिन फिलहाल के लिए ये था एक छोटा सा वीडियो, इसमें आपने देखा कि कैसे इंस्टॉल करना है हैवॉक ओएस को, काफ़ी सिंपल तरीका है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको कोई भी रोम इंस्टॉल करना है पोको फोन F1 पे तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, आपको सारे लॉक स्क्रीन पासवर्ड्स फ्लैश करने के पहले बायोमेट्रिक्स की सारी डिटेल्स निकाल देनी है, जैसे कि फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट अनलॉक है, स्क्रीन पैटर्न अनलॉक, पिन अनलॉक, ये सारे डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद TWRP में जाएंगे तो आपको सिर्फ सब कुछ फ्लैश करना, वाइप करना है और उसके बाद फ्लैश करना है, बट सबसे पहले आपको वेंडर और फर्मवेयर, या फर्मवेयर और वेंडर, उसके बाद रोम और उसके बाद जी ऐप्स। ये काफ़ी सिंपल तरीका है कोई भी रोम फ्लैश करने का। अगले वीडियो में हम देखेंगे और एक नया कस्टम रोम। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा है हैवॉक ओएस, इसके सारे फीचर्स फुल रिव्यू में डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे थे स्मार्टफोन ट्यूटोरियल्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।